केंद्र सरकार ने अघोषित आय पता लगाने में 3 साल में बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसकी एजेंसियों ने पिछले 3 साल में 71,941 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया। सरकार ने सर्वोच्च अदालत को बताया है कि आयकर विभाग ने पिछले 3 साल में सघन खोज, जब्ती और छापे में करीब 71,941 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया। नोटबंदी के दौरान ही 5400 करोड़ रुपए नकद और 303 किलो सोने की अघोषित आय उजागर हुई है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया है कि नोटबंदी के दौरान उजागर अघोषित आय और सोना पिछले साल 9 नवंबर से इस साल 10 जनवरी के बीच की अवधि में की गई कार्रवाई का है। 3 सालों में उजागर 71,000 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई 1 अप्रैल 2014 से फरवरी 2017 के बीच की है। हलफनामे में कहा गया कि पिछले 3 सालों में 2027 आयकर छापे मारे गए, उसमें 36,051 करोड़ रुपए की काली कमाई पता चली है। ये 2,890 करोड़ की जब्त अघोषित संपत्ति से अलग है। इसी तरह 1 अप्रैल 2014 से 28 फरवरी 2017 के बीच आयकर विभाग ने 15,000 से ज्यादा जगह जांच की। इनमें 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित आय पता चली। हलफनामे में कहा गया है कि पिछले साल नवंबर में नोटबंदी के 2 महीने में आयकर छापों की कार्रवाई बड़े पैमाने पर की गई है। इनमें 1100 छापे और 5100 से ज्यादा स्थानों पर जांच की गई। इन कार्रवाइयों में कुल जब्ती 610 करोड़ की हुई है। इनमें नकद राशि 513 करोड़ की थी, जबकि कुल अघोषित आय 5400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कबूल की गई। वित्त मंत्रालय का कहना है कि नोटबंदी के दौरान बैंक से नोट बदलने में खूब धांधली हुई है और यही कारण है कि सरकार ने दोबारा से नोट बदलने की मोहलत नहीं देने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।